हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मार्वल और डीसी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे सैन डिएगो कॉमिक कॉन से रिलेटेड अपडेट के बारे में और बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड अपडेट के बारे में। थॉर लव एंड थंडर के डायरेक्टर ने कन्फर्म कर दिया टेके वेडिडी ने कि वो इस मूवी में कोई भी मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने वाले नहीं है। जी हाँ, यानी कि अगर वो एक्सप्लोर करने वाले नहीं तो यानी कि थॉर तो कोई मल्टीवर्स एक्सप्लोर करेगा नहीं। सिर्फ आपको जो स्टोरी देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी कलरफुल प्यार मोहब्बत थोड़े एक्शन फाइट सीन से और गौर की स्टोरी देखने को मिलेगी। उसके अलावा कोई भी मल्टीवर्स का नाम या कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि एक कॉमिक बुक अपडेट। कॉमिक बुक अगर आप पढ़ते हो तो आपके लिए खुशखबरी है कि आने वाले फ्यूचर में मार्वल एक कॉमिक बुक ऐसी रिलीज करने वाला है जिसमें कि वो इंट्रोडक्शन देने वाला है स्पाइडर रेक्स का। ये उसका फर्स्ट लुक है जो कि बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा है। आपको ये कैसा लगा जानकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से रिलेटेड। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में जैसे ही एक इल्यूमिनेटी वाला सीन आता है जिसमें कि हमारे रीड रिचर्ड यानी कि फैंटास्टिक एक पोर्टल से बाहर निकल के आते हैं, तो प्रोड्यूसर ने फाइनली रिवील कर दिया कि वो एक्चुअल में डॉक्टर डूम का टैग यूज कर रहे थे। और इसका मतलब यही हो गया कि आने वाले फ्यूचर में हमें डॉक्टर डूम भी देखने को मिलेंगे आने वाली फ्यूचर मूवी फैंटास्टिक फोर में। आपको कैसा लगा ये जानकर मुझे बताइएगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग हो गया। उसके साथ आप बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज से ही रिलेटेड। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने 5 दिन में बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। उसने टोटल 5 डेज में 2.1 मिलियन व्यूज अर्न कर रहे हैं, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अब तक सबसे ज्यादा चलने वाली सीरीज और मूवी बन चुकी है। बहुत बड़ी बात है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि बहुत ही कमाल का है। नेटली पोर्टमैन जो कि हमारी मैटी थॉर का कैरेक्टर प्ले करती हैं, उन्होंने अभी हाल ही में खुलासा करा कि वो आने वाले फ्यूचर में एमसीयू के अंडर फीमेल के साथ टीम अप करना चाहती हैं। उन्होंने नाम भी रिवील करा, वो करना चाहती हैं ब्री लांसर यानी कि कैप्टन मार्वल के साथ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। थॉर लव एंड थंडर में आपने 2 बकरियां तो देखी होंगी, तो वो आपको देखने को मिलेंगी आने वाले फ्यूचर में गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल में, जो कि दिसंबर के महीने में रिलीज होगा इस साल। पॉसिबिलिटी तो है और बाकी पता नहीं क्या होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है सोनी और मार्वल की अपकमिंग मूवी आ रही केविन द हंटर। और जिसमें केविन का कैरेक्टर जो प्ले करने वाले हैं उनकी जो स्टोरी होने वाली है वो कुछ रिवील्ड हुई है। बताया जा रहा है कि मूवी की स्टोरी कुछ इस तरीके से दिखाई जाएगी कि केविन एनिमल से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और नेचर से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, तो इसलिए वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा मूवी में। जब इंसान काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करने लग जाएगा एनिमल्स पर, जंगलों को काटने लग जाएगा, तब केविन का अंदर से विलेन जागेगा, तो इसलिए हमें कुछ ऐसी स्टोरी देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो थंडरबोल्ट्स के ऊपर तो मूवी बनी रही है, ये तो कंफर्म हो चुका है। मैं आपको सोशल मीडिया में पहले भी अपडेट दे चुका हूँ, पर राइट रसल जो कि यूएस एजेंट का रोल प्ले करते हैं, आपको पता ही होगा वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं एमसीयू की कॉल का कि जल्दी से उनके पास कॉल आए और उस मूवी को वो ज्वाइन करें, क्योंकि काफ़ी सारे रूमर्स वो सुन सुनकर पक गए हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो एमा रॉबर्ट्स जो कि काफ़ी कमाल की एक्ट्रेस हैं, उनको मैडम वेव के लिए भी हाल ही में कास्ट करा गया है। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद दी है और मैं तो चाहता हूँ कि इनको एक अच्छा सा रोल मिले ही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है ब्लेड से रिलेटेड। ब्लेड की एमसीयू फीचर में मूवी तो आ ही रही है। ऑब्वियसली जो कि काफ़ी कमाल के एक्टर हैं वो पहले भी ब्लेड का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं और इनकी 3 मूवीज़ आ चुकी हैं। उन्होंने भी हाल ही में रिवील करा कि आने वाले टाइम में ट्रिनिटी के बाद यानी कि ब्लेड 3 के बाद उनकी 2 मूवी और आनी थी फ्यूचर में, पर वो कुछ भी नहीं हुआ और प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। पर अब उनका आने वाले टाइम में प्लान यही है कि आने वाले टाइम में जो ब्लेड मूवी आ रही है वो उस मूवी में कैमियो जरूर करें, बस वो मार्वल का इंतजार कर रहे हैं कॉलिंग का। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि ये सीक्रेट इन्वेंशन से रिलेटेड। तो फाइनली इसकी शूटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी इसके 4 महीने के रीशूट और दोबारा से होंगे, जो कि इंपॉर्टेंट सीन बताए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है और सेट इमेजेस या जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। टेके वेडिटी ने फाइनली रिवील करा है कि वो इस ईयर कुछ भी अब काम करने नहीं वाले हैं थॉर लव एंड थंडर के बाद। नेक्स्ट ईयर से वो सिर्फ फोकस करेंगे स्टार वॉर्स के ऊपर, और अपडेट तो ये भी आ रहे हैं कि दी मैंडलोरियन सीजन के भी वो कुछ एपिसोड भी डायरेक्ट करेंगे। देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अब बात करते हैं चलिए सैन डिएगो कॉमिक कॉन से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल तो नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, अब पता ये भी चला है कि वॉर्नर वॉर्स भी पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि डीसी की भी अपकमिंग जो मूवी होंगी वो भी हमें देखने को मिल सकती है। उनके फर्स्ट लुक टीजर या जो भी एवरीथिंग अपडेट होंगे या न्यू प्रोजेक्ट जो भी अनाउंस होंगे वो भी हमें अपडेट पता चलेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि बहुत ही कमाल का है, वो है क्रिस्टन वेल से रिलेटेड। बैटमैन का 3 बार रोल प्ले कर चुके हैं क्रिस्टन वेल बैटमैन मूवीज में, और इसके बाद उनका ये प्लान था कि वो आने वाले टाइम में इसका 4th पार्ट भी बनाए। पर अभी हाल ही में क्रिस्टन वेल ने ये खुलासा करा कि उनके डायरेक्टर से बात हुई होगी और डायरेक्टर ने यही बताया कि 3 पार्ट बनाने के बाद अगर ये स्टोरी सक्सेसफुल रही और ऑडियंस की हाइप बनी तो मैं आने वाले टाइम में 4th पार्ट बनाऊंगा और आपको ही एज अ बैटमैन रखूंगा। तो क्रिस्टन वेल इंतजार कर रहे हैं सिर्फ क्रिस्टन नोवल का कॉलिंग का कि जल्दी से उनका कॉल आए और वो बिना हिचक के
और बिना किसी मंजूरी के तुरंत हाँ कर देंगे बैटमैन का रोल प्ले करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं एवेंजर्स डायरेक्टर से रिलेटेड अपडेट के बारे में। उन्होंने अभी हाल ही में एक इच्छा जताई कि अगर वुल्वरिन का कैरेक्टर कोई प्ले कर सकता है तो कौन प्ले कर सकता है, तो उन्होंने बताया कि क्रिस इवांस प्ले कर सकते हैं, बिकॉज क्रिस इवांस की बॉडी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, दिखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं। अगर वुल्वरिन का वो कैरेक्टर प्ले करेंगे तो उन पर वो जचेगा भी और वो अच्छी तरीके से प्ले कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में क्रिस इवांस किसका कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, ह्यूमन टॉर्च का, वुल्वरिन का या फिर कैप्टन अमेरिका का? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस ये थे वो काफी सारे कमाल के अपडेट। अगर आपको कोई भी अपडेट अच्छा लगे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।